गाइस, कभी कभार आपको इम्पोर्टेंट फाइल या गेम को अपने पीसी या लैपटॉप में जब इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो एंटीवायरस है वो उस फाइल या गेम को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने एंटीवायरस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, वो भी विंडोज 10 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला स्टेप है वो है माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस। गाइस, अगर आपके पीसी या लैपटॉप में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस का इनबिल्ट फीचर है सो उसे डिसेबल करने के लिए आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर वहां पर आपको टाइप करना है gpedit.msc, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लोकल पॉलिसी एडिटर विंडो का पॉपअप शो करेगा। वहां पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स, उसके अंदर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको विंडोज़ कंपोनेंट्स में जाना है। विंडोज़ कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पर जाने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर नज़र आ रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। उस पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, नॉट नाउ, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। आपको वहां पर इनेबल के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई एंड देन ओके पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये था हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सटर्नल एंटीवायरस। गाइस, अगर आपके पीसी या लैपटॉप में अगर एक्सटर्नल एंटीवायरस जैसे इंस्टॉल्ड है, जैसे कि क्विक हील, मैकेफी, कैस्पर की या और भी कोई एंटीवायरस, सो उसे डिसेबल करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के टास्क बार पर जाएं। टास्क बार पर जाने के बाद वहां पर एक आपका एरो का आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी एंटीवायरस बैकग्राउंड में रन हो रहा हो वहाँ पर आपको उसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको रियल टाइम स्कैन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर टर्न ऑफ के ऑप्शन में जाना है एंड उसे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जब आपका फाइल या फिर कोई गेम जब डाउनलोड हो जाए तब उसको आप उसे इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।